आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं एसएम मसूद अहमद। आइए देखते हैं इस वक्त की अहम खबर। इनके एजेंडे में नहीं, बेरोजगारी को दूर करना इनका एजेंडा नहीं,
सरों की इबादत इनका एजेंडा नहीं, इनका एजेंडा अगर कुछ है और कुछ निशाना है तो आप बखूबी जानते हैं कि कौन इनके निशाने पर है और किस लिए इनके मंसूबे हैं। तो खुदा बात को समझे और इन हालात में अपने नुमाइंदे का मुंतखब होना जरूरी है। हम तो हमारी जिंदगी के लिए 20-25 बरस से बैठे हुए हो, नहीं मालूम अब कितने दिन जिंदा भी रहूंगा और हम तो हमारी जिंदगी के लिए है, लेकिन मुझे फिक्र है तो इन आने वाली नस्ल की फिक्र है कि उनके जो हालात है, इन हालात में हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो इन आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज कर मुस्तहकम कर इनकी जिंदगी में एक नए जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। इंशाल्लाह नाजुक है हालात, हमको बार बार चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि मुनज्जम हो जाओ, मुस्तहिद हो जाओ, एक मरकज सियासी पे आ जाओ। आज लोग हमको फिरका परस कहते हैं, अरे हम फिरका परस नहीं है, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। एक हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, हर फरियाद अपने फरियाद को लेकर आ सकता है। फरियादी को फराएगा नहीं, किसी भी मजलूम को इनकार नहीं करेगा, अरे को कबूल करेगा, अरे को अपने करीब लाएगा। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ, मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप अपना बहर लगाइए। इस मरतबा बटन नहीं है, डायलेक्ट पर है, निशान को बहर लगाना है, कागज को बोलना है और डब्बे में डालना। इस चीज को याद रखें, हर वक्त बटन लगाते हैं, बटन नहीं है, डायलेक्ट पेपर है, पेपर खोलना है, चार नंबर पर मजलिस का निशान पतंग है, वहां पे मोहर लगाना है, कागज को ऐसा फोल्ड करना है, बंद करना है और उसके बाद डब्बे में डालना है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा के बाद में मजलिस को उम्मीद करना, इनका एजेंडा नहीं, सरों की इबादत इनका एजेंडा नहीं, इनका एजेंडा अगर कुछ है और कुछ निशाना है तो आप बखूबी जानते हैं कि कौन इनके निशाने पर है और किस लिए इनके मंसूबे हैं। तो खुदा बात को समझे और इन हालात में अपने नुमाइंदे का मुंतखब होना जरूरी है। हम तो हमारी जिंदगी के लिए 20-25 बरस से बैठे हुए हो, नहीं मालूम अब कितने दिन जिंदा भी रहूंगा और हम तो हमारी जिंदगी के लिए, लेकिन मुझे फिक्र है तो इन आने वाली नस्ल की फिक्र है कि उनके जो हालात है, इन हालात में हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो इन आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज कर मुस्तहकम कर इनकी जिंदगी में एक नए जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। इंशाल्लाह नाजुक है हालात, हमको बार बार चीख कर पुकार कर कह रहे हैं कि मुनज्जम हो जाओ, मुस्तहिद हो जाओ, एक मरकज सियासी पे आ जाओ। आज लोग हमको फिरका परस कहते हैं, अरे हम फिरका परस नहीं है, हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। एक हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई भी आ सकता है, हर फरियाद अपने फरियाद को लेकर आ सकता है। फरियादी को फराएगा नहीं, किसी भी मजलूम को इनकार नहीं करेगा, हर एक को कबूल करेगा, हर एक को अपने करीब लाएगा। मैं आप तमाम से अपील करता हूँ कि मजलिस का निशान पतंग है, पतंग के निशान पर आप अपना बहर लगाइए। इस मरतबा
बटन नहीं है, बैलेट पेपर है, निशान को बाहर लगाना है, कागज को खोलना है और डब्बे में डालना है। इस चीज को याद रखना, हर वक्त बटन लगाते हैं, और बटन नहीं है, बैलेट पेपर है, पेपर खोलना है, चार नंबर पर मंजिल का निशान मतलब है, वहां पे मोहर लगाना है, कागज को ऐसा फोल्ड करना है, बंद करना है और उसके बाद डब्बे में डालना है। उम्मीद करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में मंजिल को हर वक्त अपने घरों में रहते हुए मेरे हक में मेरी जान और अपनी जान मंजिल से बाहर जमीन के लिए लड़ाई करती रहती है और पोलिंग के दिन सुबह निकल जाती है, घरों में चूल्हा जलाए बगैर, घर में खाना पकाए बगैर मंजिल से बाहर मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआएं करते हैं। तो मैं ममनून हूँ मेरी खवातीन का और बहनों का और उम्मीद करता हूँ कि इस मरतबा भी आप मंजिल से बाहर मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। अगर हम ये समझेंगे कि हमारे घर में सात वोट है, हम दो वोट डाल दिए हैं, तीन वोट डाल दिए हैं, दो नहीं डाले तो क्या होगा? नहीं, कामयाबी एक वोट से भी हो सकती है, मुकाबला इतना सख्त है, इस बात को याद रखें। बहुत सख्त है, एक वोट से हार भी हो सकती है, एक वोट से जीत भी हो सकती है, इस बात को समझिए। अगर हम गलत में रहेंगे तो खुदा ना खास्ता हमारी हमारे दुश्मनों के हाथ में ले जाएगी और वो फिर मौज मस्ती करेंगे और फिर आप देख रहे हैं कि मुल्क के क्या हालात है, किस तरीके से और इनके क्या क्या अजायब है, क्या क्या मंसूबे हैं, क्या क्या इरादे हैं। मुल्क की तरक्की इनके एजेंडे में नहीं, मुल्क की कमजोर मईशत इनके एजेंडे में नहीं, रुपये की कीमत इनके एजेंडे में नहीं, बेरोजगारी को दूर करना इनका एजेंडा नहीं, सड़कों की इबादत इनका एजेंडा नहीं, इनका एजेंडा अगर कुछ है और कुछ निशाना है तो आप बखूबी जानते हैं कि कौन इनके निशाने पर है और किस लिए इनके मंसूबे हैं। तो खुदा बात को समझिए और इन हालात में अपने नुमाइंदे का मुंतखब होना जरूरी है। हम तो हमारी जिंदगी जी ली है, 20-25 बरस से मैं एमएलए हूँ, नहीं मालूम अब कितने दिन जिंदा भी रहूंगा, और हम तो हमारी जिंदगी जी ली है लेकिन मुझे फिक्र है तो इन आने वाली नस्ल की फिक्र है कि मुल्क के जो हालात है, इन हालात में हमारी जिंदगी है कि जब हम दुनिया से रुखसत हो गए तो इन आने वाली नस्ल के मुस्तकबिल को महफूज कर मुस्तहकम कर इनकी जिंदगी में एक नए उजाला को पूरी दुनिया से इस वक्त की अहम खबर। रोजाना की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए रोज न्यूज। इसी के साथ मुझे पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।